हेलो कुंजन जी। हाँ मंगलाचरण कर सकते हैं हम। हाँ स्वागत जी। सावधान। नमः समसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्तस्वभावभावाय सर्वभावान्तरचिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलं मणौघं तपाते वोच्छामि सुदकेवली भणितम्। हाँ जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सौरभ जी। सौरभ जी, हम 13 पे थे मोस्टली। हाँ इसमें बीच में कलश एक्चुअली में 12 नंबर पूरी हुई थी हमारी। इसमें बीच में कलश है, हम कलश के लिए बीच के तो इसी 12 नंबर का सपोर्टिंग कलश है। हमारा प्रकरण ऐसा चल रहा था कुछ गाथा नंबर 12 पर कि जो शुद्धो शुद्धा देशो प्रणादब्बो परम भाव दर्शी व्यवहार देशी दापुण जेदु अपर में अपर में अपर में ठिदा भावे। जो परम भाव को प्राप्त हो गए हैं उनके लिए तो शुद्ध ने जानने योग्य है, और जो अपरम भाव में है वो व्यवहार नए उनके लिए उपदिष्ट है। ये चर्चा हमारी हो गई थी। इसके बाद अगर हम कलश देखते हैं तो कलश नंबर 4 इसमें लिया गया है। कलश नंबर 4-5 ये दो कलश हैं कलश कलश जो फर्स्ट से दी थी स्टार्ट बात करना है। की। मेरे पास कलश की बुक है, हम नहीं फर्स्ट कलश ले लिया से था हमने। हाँ यहीं से ले रहे हैं। नहीं ले लिया था हमने कलश जो चले थे ना वो हम लेते जा रहे हैं। कलश छोड़नी था बीच में। हम ओके कलश भी लिए हैं हमने। मैं इस वाले का आपको भेज देता हूँ। मैं ग्रुप पे भेजता हूँ। एक मिनट वो है आपके पास। मेरे पास कलश वाली बुक है, अगर वो ओपन करनी हो। क्या कलश का एक्सप्लेनेशन चाहिए क्या? हाँ वो कर लीजिए। नहीं नहीं कलश बस इसमें सपोर्टिंग है वो हम ले रहे हैं। मैं दे रहा हूँ जो जिससे ले रहा हूँ वो दे रहा ओके हूँ। हाँ सौरभ जी, ये वाला ही है, ये जो फोर्थ फोर्थ वाला है वो। सही वाला है क्या? तो इसमें देखिए इसी को इस बात में कहा गया है कि अब उसी मतलब हम जो बात कर रहे हैं आचार्य कुनकुन ने जिस बात को है उसकी बात को सपोर्टिंग नए विरोध ध्वंस पदम के जिन मत्स्य संबंधी माध्यम हुआ समसारम की परम ज्योति चाहिए पक्षछंद एव। हिंदी सौरभ में जी, इसका आवाज ऐसा है भी हो रही कि है। चाहते हो जैन। हेलो आवाज ब्रेक हो रही है, सभी के लिए हो आवाज रही है ब्रेक हो रही है इसमें? क्या मेरी? अभी ठीक है, अभी जस्ट बैठे हुई है। हाँ हो रही थी, बीच में वो हो रही थी वो। इसमें है यदि चाहते हो जैन दर्शन में प्रवर्तना
जगत में व्यवहार निश्चय नयों में से किसी को छोड़ो नहीं, व्यवहार नये बिन तीर्थ अर हेलो हाँ सौरभ जी हेलो जी आपकी आवाज आ रही जा रही अभी ठीक लग रही है। एक मिनट सर जी आप बोल। ओके तो देखिए इसमें है कि यदि जैन दर्शन में प्रवर्तना चाहते हो जगत में तो निश्चय और व्यवहार दोनों नयों को नहीं छोड़ना चाहिए। एक का रीजन बता दिया क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि व्यवहार बिन व्यवहार नये के बिना तीर्थ का और निश्चय नये के बिना तत्व का लोप हो जाएगा। तो यहाँ दोनों नयों के एक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आचार्य अमृतचंद ने जो प्लस लिखे हैं उसमें ये कहे कह रहे हैं कि अगर आप तुम जिंदर्शन में प्रवर्तना चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय दोनों नयों में से एक को भी मत छोड़ो, क्योंकि व्यवहार के बिना तीर्थ का एवं निश्चय के बिना तत्व का लोप हो जाएगा। अब ये ऐसे तो देखो तो बात बहुत सरल और क्लियर है। तीर्थ तत्व किसे कहते हैं अपन समझ लेते हैं अभी। तीर्थ मतलब जिससे तिरा जाए, जिससे तिरने का उपदेश मिले, बहिरंग की क्रियाएं बहिरंग की चीजें उसे तीर्थ कहा जाता है। तत्व जो हम पढ़ रहे हैं अध्यात्म जिससे कि सम्यक्ता आदि की प्राप्ति होती है। तो अब इसमें यद्यपि ये ग्रंथ है निश्चय नए प्रधान, तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि आप अगर जैन दर्शन में प्रवर्तना चाहते हो प्रवर्तन करना चाहते हो तो निश्चय व्यवहार नए दोनों को नहीं छोड़ो, क्योंकि अगर एक को छोड़ोगे तो तीर्थ का लोप होगा, दूसरे को छोड़ोगे तो तत्व का लोप हो जाएगा। अब ये कितनी क्लियर बात। मैं जैसे ऑलवेज आप लोगों से बोलता रहता हूँ एक बात कि निश्चय नये व्यवहार नये कोई कोई समाज नहीं है, ये वस्तु को समझने की पद्धति है। और हम जिस सांसारिक भूमिका में हैं, इस सांसारिक भूमिका में दो प्रकार के भाव सहज होते हैं, है ना, शुद्ध और शुभ। तो जो शुद्ध भाव होते हैं उनको निश्चय नये पकड़ता है, जिनको सम्यक हो जाता है उनकी बात है। तो जो शुद्ध भाव है उनको निश्चय ने पकड़ता है, शुभ भाव है उसको तीर्थ कहते हैं, उसे व्यवहार ने पकड़ता है। दोनों नयों का प्रयोग जहां जिस नये का प्रयोग होना चाहिए वहां उस नये का प्रयोग करें। लेकिन कहा है कि अगर तुमने दोनों में से किसी एक को मानने छोड़ दिया कि अभी हम पहले सच्चे श्रावक तो बन लें फिर हम आत्मा की आराधना करेंगे, तो कह रहे हैं तुमने तत्व का लोप कर दिया। और कोई कहे हम तो बस आत्मा की आराधना करेंगे, हमें क्या करना तीर्थ से, हमें क्या करना धर्म प्रभावना से, हमें क्या करना इन चीजों से। तो कहते हैं कि फिर तुम तीर्थ का लोप कर दोगे। जैसे देखिए एक अभी तक की भारतीय इतिहास में इवन जैन इतिहास में एक इस बार बहुत अच्छा काम हुआ, उसमें आप लोगों ने भी सबने सहयोग दिया। शिखर जी में जो अभी कुछ सारी वीडियोस आई थी या जो मैसेज आया था, तो जब गुजरात में जो गिरनार जी है वो हाथ से गया तब इतना अवेयरनेस नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं थी, चीजें नहीं थी, तो कुछ कैंपेन चल नहीं पाया। अभी 6-8 दिन के कैंपेन में शिखर जी बचाओ जो कैंपेन चला उससे इतना बढ़िया रिजल्ट आया इन द सेंस एटलीस्ट एक आश्वासन बंधे सरकार को, सरकार अलर्ट पे आएगी भाई इनके साथ अन्याय नहीं कर सकते। अब कोई सोच ले कि हमें क्या करना, अब देखो शिखर जी रहेगा तो रहेगा, नहीं तो हम तो अपनी आत्मा आराधना में मग्न। तो कहते नहीं भैया, एक हम जिस मत में हैं उसको बचाना, उसकी सुरक्षा करना, वो व्यवहार नई की जो क्रियाएं हैं भाव हैं वो होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो तुम किसके आधार से अध्यात्म करोगे। तीर्थ क्षेत्र सम्यक दर्शन में कारण है, जब तुम्हारा क्षेत्र ही नहीं रहेगा तो तुम तो वो निमित्त कैसे बनेगा वो सम्यक में। इसमें आप इसमें पूरे भारत से तो सबका पार्टिसिपेशन है ही, लेकिन इस बार जो जो हमारे जैन भाई बाहर रहते हैं, भले ऑस्ट्रेलिया में हो, यूएस में हो, यूके, जहां जहां हो, सब लोगों ने बहुत अच्छा योगदान दिया। और उसका रिजल्ट ये आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी अलर्ट हो गई,
अभी इंदौर में परसों वो आए थे, हमारे जो संसद के लोकसभा अध्यक्ष है ना, वो आए थे, तो उनसे दो चार समाज के लोगों की मीटिंग हुई थी। उन्होंने बताया कि साहब हम लोग सीधे साधे लोग हैं और आप हमारे क्षेत्र ऐसे छीन लोगे, कब्जा हो जाएंगे हमारे, तो फिर हम कैसे काम चलेगा। तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला और हम इस सारे प्रकरण को हम पक्का कर रहे हैं। तो इस तरह से भले ही कोई आत्माराधना करने वाला जीव हो, लेकिन उसने भी सहयोग दिया, सपोर्ट दिया। मैंने सबको बोला कि भैया ये करो, फॉरवर्ड किया मैंने कि भैया ये सब लोग ट्विटर पे दो, एप्लीकेशन दो, जो भी दो। तो इसी बात को समझ लो यहाँ कहा जा रहा है कि भाई अगर तुम जैन दर्शन में परिवर्तन चाहते हो तो निश्चय और व्यवहार दोनों नयों में परिवर्तन करना मत छोड़ो, क्योंकि एक के बिना तीर्थ का और दूसरे के बिना तत्व का लोप हो जाएगा। मुझे लगता है ये कलश आचार्य को लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसको अगर हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक के सातवें अधिकार से जोड़कर देखें तो वहां एक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का वर्णन आया और एक निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि का वर्णन आया है। व्यवहाराभासी जो मिथ्या दृष्टि होता है वो निश्चय का निषेध करता है, समझ लो, और जो निश्चयाभासी होता है वो व्यवहार का निषेध करता है। तो पंडित जी ने प्रकरण यहीं से लिया होगा कि आचार्य का एक क्लियर निर्देश है कि अगर जैन दर्शन में प्रवर्तना चाहते हो तो आप इन दोनों को मत छोड़ो। मत छोड़ो को मतलब व्यवहार नय को व्यवहार नय की तरह से जहां प्रयोग करना वहां करो, निश्चय नय का प्रयोग जहां करना वहां करो। अंततः उद्देश्य हमें स्वरूप को समझने का ही है, कोई नए पक्षपात का नहीं है, क्योंकि आत्मा की आराधना तो जब हम पक्षातीत हो जाते हैं, नए पक्षों से रहित हो जाते हैं, तब आत्मा की आराधना। हाँ, इसका हिंदी पढ़ लेते इस प्रकार इस 12वीं गाथा में कहा गया है कि व्यवहार ने अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, तथापि वह कभी कभी किसी के लिए प्रयोजनवान। मतलब यद्यपि कहा गया असत्यार्थ है, किसकी अपेक्षा सत्यार्थ है, निश्चय नहीं की अपेक्षा सत्यार्थ है, लेकिन कहीं कहीं प्रयोजनवान है वो, जहां उसका महत्व है वहां उसका महत्व भी है। निश्चय नहीं की उपयोगिता पर समुचित प्रकाश डालने के उपरांत अब स्यादवाद अंकित जिन वचनों को रमण करने वाले सत्पुरुष ही समयसार को प्राप्त करते हैं, इस प्रकार के भाव जो हैं वो यहाँ बताए गए हैं इसमें आगे कि उभय नयों में जो विरोध है उसके भाषक नाशक स्यादवाद में जिन वचनों में जो रमते हैं, मोह वमन कर अनय अखंडित परम ज्योति में स्वयं शीघ्र ही समयसार में वे रमते हैं। तो इसमें है स्यादवाद वचनों का बताया गया है कि जो पुरुष निश्चय व्यवहार नय दो नयों के प्रतिपादन में दिखाई देने वाले विरोध को ध्वंस करने वाले स्यादवाद से जिन वचनों में रमते हैं, वे पुरुषार्थ से मिथ्यात्व का भ्रमण करने वाले वे पुरुष कुनय से खंडित नहीं होने वाले परम ज्योति स्वरूप अत्यंत प्राचीन अनादिकाल से समय सार स्वरूप भगवान आत्मा को तत्काल देखते हैं अर्थात उसका अनुभव करते हैं। अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि भाई तत्काल आत्मा का अनुभव कौन करते हैं, जो उभय नयों में जो विरोध है उसके नाशक, निश्चय व्यवहार नयों में विरोध दिखाई देता है लेकिन स्यादवाद वचन उसके नाशक हैं। अभी देखो मुझे एक कल या परसों मुझे एक लेक्चर ले जाना है, काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर है कि एक एकेडमी है अपनी यहाँ इंदौर, तो उस एकेडमी से काफी सारे IAS IPS बने हैं, रेगुलर बन रहे हैं, तो उस एकेडमी में जो फाइन एकदम क्रीम ब्रेन होता है वो आता है पढ़ने के लिए और उनका रिजल्ट हर साल बहुत अच्छा रहता है। तो मुझे उन लोगों को काफी सारे क्वेश्चन से उनके बताने जाना है क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाता है। अब इंटरव्यू में उन्होंने बोला एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, स्यादवाद क्या है, स्यादवाद और अनेकांत क्या है। तो ऐसे 15-20 क्वेश्चन हैं जो कि होने वाले IAS IPS जो हैं उसमें एकेडमी में उनके क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। तो वो क्या बोले कि हर एक इंटरव्यू में अगर उन्होंने देखा कि जैन हैं आप तो बोले ये क्वेश्चन उनके पेटेंट है, स्यादवाद वाला क्वेश्चन उनका पेटेंट है, स्यादवाद अनेकांत क्या है आपका बताइए आप। वर्तमान समय में जैन दर्शन क्यों उपयोगी, तो यहां बता रहे हैं कि जो उभय नयों में विरोध है उसका नाश कौन कर सकता है, तो बोले स्यादवाद वचन। स्यादवाद क्या होता है, स्यादवाद मतलब अपेक्षा पूर्वक कथन। हम प्रत्येक बात की अपेक्षा लगाते हैं ना,
तो अगर स्यादवाद वचनों का प्रयोग नहीं किया गया तो जनागम समझ में नहीं आ सकता किसी को, क्योंकि हम लोग अनेकांतवादी हैं, अनेकांतवादी हैं और हम स्यादवाद की भाषाएं बात करते हैं। स्यादवाद अर्थात भाई इस अपेक्षा से आत्मा शुद्ध है, ऐसे मत बोलो, बोलो शुद्ध है ऐसा मत बोलो, किस अपेक्षा से शुद्ध है? तो बोले द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा शुद्ध है। हाँ अब ठीक है, आत्मा अशुद्ध है, आप बोले अशुद्ध मत बोलो, आत्मा किस दृष्टि से अशुद्ध है आप ये बोलो तो हमें समझ में आएगा। तो बोले आत्मा व्यवहार दृष्टि से अशुद्ध है क्योंकि ये मिली हुई अवस्था में है। तो इस प्रकार से जब स्यादवाद का प्रयोग हमें आचार्य करने को कह रहे हैं, और आप ये समझिए कि ये स्यादवाद का प्रयोग अगर हम नहीं करेंगे जनागम को समझने में तो हमें जनागम समझ भी नहीं आने वाला। फिर जरूर वो एक बार आप लोगों ने बताया था ना कि भाई लोग ऐसे यहाँ बात करते हैं ऐसी कि अरे हम तो शुद्ध हैं, खाने पीने से क्या होता है, और हम तो केवल आत्मा का विचार करते हैं, उस प्रकार से फिर वो होली भी खेलते हैं, दुनिया भर के काम भी करते हैं, वो कहते हैं हम तो शुद्ध हैं इससे क्या होता है। तो कह रहे हैं आपने शायद स्यादवाद मत को आप जानते नहीं हो, आपको आप में समझ नहीं है स्यादवाद मत क्या होता है। उसके नाशक जो हैं उभय नय, जो अपना चार नंबर का कलश है ना, उसका उसका अनुवाद है ये कि उभय नय का जो क्या बोलते हैं, यदि जो दोनों नयों में विरोध आपको दिखाई देता है और वो विरोध अगर कोई नाश करने वाला है तो वो नाश करने वाले हैं। हाँ तो वो नाश करने वाले हैं स्यादवाद वचन। क्यों स्यादवाद वचन क्यों नाश करने वाले हैं? क्योंकि ये स्यादवाद वचन जो है ये जब जीव स्वयं पुरुषार्थ करेगा तो मिथ्यात्व का नाश हो जाएगा और कुने हो जाएंगे। फिर अत्यंत प्राचीन अनादि काल से समयसार स्वरूप भगवान आत्मा तत्काल दिखाई देता है, अर्थात उसका अनुभव करते हैं। मतलब जो जीव स्यादवाद का, एक मिनट है ना, यहाँ से कुछ शोर आ रहा है निकल जाए फिर मैं। तो स्यादवाद का प्रयोग वस्तु की व्यवस्था समझना बहुत आवश्यक है। जनागम स्याद अनेकांतवादी हैं हम लोग और वो स्यादवाद शैली वस्तु को समझने का, स्यादवाद शैली स्यादवाद का होता है किसी अपेक्षा से। स्यादवाद का मतलब होता है किसी अपेक्षा से। तो जनागम को समझने के लिए आपको स्यादवाद शैली का प्रयोग करना पड़ेगा। अच्छा, हम अपने डेली रूटीन में भी स्यादवाद शैली का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अगर हम अपने डेली रूटीन में स्यादवाद शैली का प्रयोग ना करें तो हमारा जीवन भी नहीं चलता है। जनागम को समझने का समझ लो एक नेचर है। मैं ऑलवेज आप लोगों से ये चर्चा करते ही रहता हूं कि हमें अगर समझदार बनना है ना तो हमें प्रत्येक चीज का स्वभाव समझना होगा, नेचर समझना होगा, वो कैसे वर्क करता है, उसको कैसे समझा जा सकता है। ऐसे जनागम को समझने का एक फॉर्मूला है, एक एक नेचर है उसका। अधिकतर लोग परेशान क्यों होते हैं? वो अपने दिमाग के हिसाब से सोचते हैं कि ये वस्तु ऐसी होना चाहिए और वैसी होती नहीं है, तो वैसी नहीं होती है तो वो परेशान होते हैं। कोई कहे पंडित जी आप तो, हमें तो बस केवल निश्चय नहीं की बात सुनाओ, हमें बोलते हैं लोग पंडित जी आपने हमें केवल निश्चय नहीं की बात सुनाओ। मैंने कहा इसे बोलते हैं नए पक्षपात, ये नए का पक्षपात है। आप बोलो हमें तो स्यादवाद की बात सुनाओ, जहां हमें व्यवहार नय के ग्रंथ पढ़ना पड़े आप वो पढ़ाओ, जहां निश्चय नय के पढ़ना पड़े उस अपेक्षा से वो पढ़ाओ। लेकिन अगर आप बोलो हमें तो बस केवल निश्चय नय की बात बताओ, तो वो स्यादवाद वचन नहीं है, वो पक्षपाती वचन है। आपको शब्दों का नशा हुआ है आपको, इसलिए आप
सारे भाई बहन सफेद कपड़े पहन के बैठ जाते हो, बोलते हो अहम शुद्धो हम, और फिर बाद में जाके पिज्जा बर्गर खाते हो, मतलब वही पार्टी में क्रूज पे पार्टी करते हो आप। तो आपको नहीं मालूम ये जिनागम जो है स्यादवाद वचन रूप है। मैं ऑलवेज आप लोगों को एक बात बताता हूं कि जितना यहाँ जिनागम में समयसार पढ़ना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक हमारे आचरण पर भी ध्यान देना है, वो खाने पीने संबंधी हो चाहे विचार संबंधी हो। कोई व्यक्ति व्यसन पूर्वक जिनागम नहीं पढ़ सकता, उसे वैसे भाव नहीं आएंगे, वैसे विशुद्धि नहीं आएगी। जहां हमें ये जानना आवश्यक है कि मैं शुद्ध हूं, मुझमें विकार ने प्रवेश नहीं किया है, वहीं स्यादवाद ये बोलता है कि मैं वर्तमान पर्याय अपेक्षा अशुद्ध हूं, अभी विकारी हूं मैं, लेकिन स्वभाव की अपेक्षा से मैं शुद्ध हूं। हो गया ना वस्तु का, स्यादवाद शैली से हमने समझा, वस्तु का निर्णय हो गया। और फिर यहां कहा है उसी व्यक्ति, वो ही व्यक्ति कुनय का नाश करके और अपने सुंदर आत्मा को देख लेता है, स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो आई होप ये समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। मैं पूछ लेता हूँ किसी से तो मुझे समझ में आ जाएगा कि किसको आया। बताइए सौरभ जी, आप बताइए स्यादवाद शैली से आत्मा को समझा जा सकता है कैसे? जय जिनेंद्र सौरभ जी। चल भी स्यादवाद शैली का मतलब है कि स्याद समझना, मतलब जब हम कोई वचन करें तो वस्तु के अनेकान स्वरूप को समझाने के लिए स्याद का यूज करें, कि अपेक्षा का यूज करें। जैसा आपने बताया कि हम आत्मा की काफी के बारे में भी बता रहे हैं, तो केवल ऐसा कहना कि आत्मा शुद्ध है या आत्मा शुद्ध है, इसके बजाय आत्मा शुद्ध किस अपेक्षा से, आत्मा शुद्ध किस अपेक्षा से, इस तरह से अगर वचन करेंगे तो वस्तु का सही स्वरूप का वचन कर पाएंगे। और जो अनेकान स्वरूप है, जो इवन आपस में विरोध ही दिखने वाले धर्म भी या आत्मा के, उनका भी जब वचन करेंगे तो सही कर पाएंगे, बिकॉज हमेशा उसकी अपेक्षा के साथ में बताएंगे उसको। ओके, तो यहाँ क्या कहा, तत्काल वो आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं। मतलब जो जीव स्यादवाद वचनों को समझ जाता है ना, वो तत्काल आत्मा को प्राप्त कर लेता है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है पता है। तो जो व्यक्ति उस जैसे अपन व्यापार करते हैं, मान लो जॉब करते हैं, व्यापार करते हैं, व्हाटएवर, हम एक बार उस व्यापार के नेचर को समझ जाए, हम एक बार उस जॉब के नेचर को समझ जाए, बड़ा आसान हो जाता है हमें। दूसरों को लग सकता है बड़ा कठिन है आपका काम, तो आप कितने नहीं साहब, ये इस व्यापार का यही स्वभाव है और इसे ऐसे ही करना पड़ता है। आप घूमने जाते हैं, आप लोग अलग अलग देश में जाओ, भारत में आप लोग को पता है भारत में सिस्टम क्या है। आप लोग यहाँ का नेचर जानते हैं इसलिए वैसे ढल जाते हैं, वहां जाते हैं वहां का नेचर जानते हैं वैसे ढल जाते हैं। आप एक दूसरे देश की चीजों को थोपते नहीं एक दूसरे की जगह, तो बिल्कुल सही से चीजें चलती हैं। ऐसे ही जब निश्चय ऐसे बात चल रही हो ना, तो अपेक्षा से वैसा ही कथन होता है। तो कहा ऐसा जाता है, स्यादवाद वचन क्या बोलता है, इस अपेक्षा से ये वस्तु ऐसी ही है, निश्चय नए अपेक्षा से ये वस्तु ऐसी ही है, और व्यवहार नए अपेक्षा से ये वस्तु ऐसी ही है। अब मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कंफ्यूजन हो, काफी लोग जैसे जब कभी बात चलती है निश्चय नहीं की, तो काफी लोग ऐसा प्रश्न करते हैं मेरे से कि सौरभ जी ये आत्मा तो बड़ी शुद्ध बताई जा रही है, ये तो समझ में आ गया हमें, लेकिन हमें तो बड़े विकारी भाव भी आते हैं, हमें तो क्रोध के भाव आते हैं, काम के आते हैं, मोह के आते हैं, लोभ के आते हैं, सारे भाव हमें आते हैं, तो फिर ये शुद्ध कहाँ से आ गया, मैं शुद्ध हूँ कहाँ। तो फिर उनको बताया जाता है कि आपको स्वभाव की अपेक्षा से शुद्ध कहा जाता है ना। जैसे स्वर्ण का उदाहरण है ना, कि स्वर्ण में जब 16 ताव दिए जाते हैं, उसको फिल्टर किया जाता है, तो वो शुद्ध दिखाई देने लगता है। ऐसे ही हमारी आत्मा भी अगर शुद्ध ना हो तो शुद्धता को प्राप्त कैसे करे। क्योंकि आत्मा को समझना तो बड़े धैर्य का काम है, आत्मा को प्राप्त करना बहुत धैर्यशाली व्यक्तियों का काम है। अगर किसी का व्यक्तित्व धैर्यशाली ना रहा तो वो आत्मा को नहीं समझ सकता।
मतलब 5 मिनट्स रूल नहीं है इसके लिए, आत्मा को समझने के लिए पहले तो आपको शायदवाद शैली को समझना पड़ेगा, तब जाकर कहीं हम स्वभाव को समझ पाएंगे। आप जानते हैं ये यहाँ इसके बाद आचार्य जयसेन क्या कह रहे हैं पता है, हम जो प्रकरण समझ रहे हैं ना वो ये कह रहे हैं संक्षेप रुचि वालों के लिए तो समय सार यही खत्म हो गया, जिनकी बुद्धि कुशाग्र है तेज है और जो हमने कहा वो समझ गए ना, तो ये समय सार तो यही 12 गाथा के बाद ही खत्म हो गया, 12 गाथा तक पूरा समय सार आ गया उनने कह दिया। तो जिनकी बुद्धि विशेष है वो तो इसके आगे पढ़ेगी नहीं, फिर भी जिनकी मध्यम रुचि है ना तो चलो मध्यम रुचि वाले पढ़ ले, क्यों उन्होंने कह दिया भाई पूरे जनागम का सारे यहाँ लेके 12वीं गाथा में कह दिया उन्होंने तो कि वे जो शुद्ध नय को प्राप्त है अशुद्ध नय को प्राप्त है उनको एक को व्यवहार नय ज्ञातव्य है एक को निश्चय नय ज्ञातव्य है। तो यहाँ जो शादवाद शैली के प्रयोग पूर्वक बता रहे हैं, तो आप लोग बताइए कि हम जब जन्मारणी को पढ़े तो इस शादवाद शैली का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कुंजन जी बताइए कहाँ कहाँ कर सकते हैं शादवाद शैली का प्रयोग निश्चय व्यवहार नय के परिप्रेक्ष्य में। सौरभ जी सबसे ज्यादा तो मैंने अगेन एक्सपीरियंस ऐसा किया है कि बहुत लोगों को समझाने में भी बहुत डिफिकल्ट होता है, तो जैसे जो जिनागम नहीं भी पढ़े हो उनको भी निश्चय व्यवहार में से समझाना, अगेन निश्चय तो बहुत ही डिफिकल्टी है दूरी की बात हो गई, बट व्यवहार में भी उनको इतना समझ में नहीं आता है, तो उनके लेवल पे हमें जब हम समझ गए हैं तो हमें उनके लेवल पे आने के लिए भी व्यवहार नय यूज करना पड़ेगा, लेकिन जब हम खुद पढ़ते हैं तब हम निश्चय से जब पढ़ रहे हैं या वो कथन शैली को जब पढ़ रहे हैं तो खुद को भी उसी तरह ढालते हैं, सो दोनों में स्विच करते रहते हैं हम भी। हाँ बराबर, अच्छा अपने आप होता रहता है ऐसे देखें तो अपने आप भी होता रहता है, हम करते रहते ठीक है लेकिन हम निश्चय व्यवहार नय के उपदेश में अपने आप स्विच होते रहते हैं, क्योंकि यहाँ इसमें और आगे ये भी कहा जा रहा है कि ये ऐसे ही काम नहीं चलेगा निश्चय व्यवहार से, उसको जब तक हम प्रयोग में नहीं लाएंगे तब तक आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन जहां जहां जिस चीज की आवश्यकता है वहां उस चीज को तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, उस चीज को वहां हमें समझना ही पड़ेगा। तो शायद शैली बड़ी कमाल की है और इसके बिना तो जनवाणी नहीं समझी जा सकती, नहीं तो फिर हम एकांत पक्षी एकांतवादी कहलाएंगे। सबको समझ में आ रहा है रोहन जी? जी सौरभ जी, सो सौरभ जी एग्जाम्पल जैसे अभी आपने कुंजन से पूछा, एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि जैसे हम दोनों चीजों को लेकर चलते हैं व्यवहार और निश्चय को, तो अगर मैं सिर्फ ऐसे काफी एग्जाम्पल है बट एक तप की बात करें तो अंतरंग तप ही वास्तविक तप है, बट बहिरंग तप जो है हमारा बहिरंग तप है वो उपचार से तप कहा जाता है, और जब तक मैं बहिरंग तप नहीं करूंगा तब तक अंतरंग मेरे को दोनों का बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। सेम गोज विद परिग्रह ऑल्सो, ये अंतरंग और बहिरंग परिग्रह को समझना पड़ेगा, जब तक बहिरंग से परिग्रह नहीं छूटेगा तब तक अंतरंग में भी नहीं आएगा, लेकिन अल्टीमेट अवस्था ये है कि निश्चय से मेरे अंतरंग में आना चाहिए। तो जो आपने समराइज कराया उसका ये है कहने का मतलब कि किस अपेक्षा पूर्वक कथन किया जा रहा है वो है स्यादवाद यहाँ पे, और जो स्यादवाद की पद्धति यहाँ पे लगानी है वो मुझे अपने अंदर लगानी है, तो मुझे व्यवहार और निश्चय का प्रॉपर बैलेंस बनाना है ताकि मैं जो एक वर्ड आपने यहाँ पे हाईलाइट किया तीर्थ, कि मेरे अंदर शुभ भाव रहे और शुभ भाव से मैं सच्चे तत्व का श्रद्धान कर पाऊं निश्चय के थ्रू, तो व्यवहार के थ्रू मैं निश्चय को समझ पाऊं। हाँ देखिए यहाँ व्यवहार क्यों नहीं, यहाँ तो ये कहा जाए कि जिस अपेक्षा से जो कथन किया जाए जब व्यवहार का कथन किया जाए तो उसको वहां उपयोगी वैसा जाना जाए, और जब निश्चय का कथन किया जाए तो उसको उपयोगी वहां वैसा जाना जाए, तो जो है उसको वैसा ही कहा जाए, क्योंकि यहाँ प्रकरण हमारे क्रियाओं का नहीं है, हमारा प्रकरण यहाँ आत्मा को समझने का है। तो अब हम हर जगह चीज ये पढ़ते हैं कि आत्मा शुद्ध है स्वीकार है निर्विकार है, तो हम बड़े सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही है,
किसने कह दिया कि हमें ये ही पढ़ना चाहिए, मतलब केवल हमें प्रथम पढ़ना चाहिए, कहाँ लिखा बताओ? चूंकि प्रथमानियु हमारे महापुरुषों की कथाओं के माध्यम से हमें परिणामों को स्थिर कराती, हमारी स्थिरता बढ़ती है, वो पढ़ते हैं। तो ऐसे ही जो बहुत सारे लोग हैं, हम शुद्ध हैं, शुद्ध हैं, शुद्ध हैं, पक्षपाती कहता है सिद्धो वर्ण समामना है, जैसे सिद्ध है मैं वैसे ही शुद्ध हूँ। तो नहीं, वैसे शुद्ध नहीं हो, सिद्ध तो पर्याय में शुद्ध है। और आप अगर स्वभाव अपेक्षा से कहो, स्वभाव अपेक्षा है ना, स्यादवाद आ गया है ना, अगर आप स्वभाव अपेक्षा से कहो सो तो हम मान लेंगे कि आप सही कह रहे हो। लेकिन आप अगर बिना अपेक्षा के अगर आप कहेंगे ना, तो ये यह अगर 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 आप यहाँ बिना अपेक्षा की बात करेंगे तो यहाँ माना भी नहीं जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा। मूल बात तो यह है, इसलिए आप सब लोग, हम सब लोग एक बात ध्यान से दें कि हम लोग स्यादवादी हैं, अनेकांतवादी हैं। हम लोग, हमारी, हमें जिनवाणी को समझना है, अनेकांत अनेके अंतः यस्य सः, एक वस्तु में अनेक धर्म पाए जाते हैं। पहले तो हमें ये समझ में आएगा, दूसरा उन अनेक धर्मों को समझने की एक शैली है जिसे हम बोलते हैं स्यादवाद शैली। आत्मा में स्वभाव और विभाव, ये दोनों गुण हैं, पता है आपको? आत्मा के दोनों ही गुण हैं, विभाव और स्वभाव। वर्तमान में हम विभाव गुण में हैं, लेकिन आत्मा में शक्ति रूप से स्वभाव गुण पड़ा हुआ है। तो द्रव्य अपेक्षा से कहेंगे हम स्वभाव गुण में हैं, पर्याय अपेक्षा से कहेंगे हम विभाव गुण का परिणाम अभी हो रहा है। तो अंतरंग सिद्धांत के लिए तो ये ठीक है कि मैं निश्चय नहीं की अपेक्षा से शुद्ध हूं, और बहिरंग में जब बात होगी तो मैं व्यवहार अपेक्षा से अशुद्ध हूं। तो जब भी आपसे आपका परिचय पूछा जाएगा ना, तो आपका परिचय व्यवहार अपेक्षा से पूछा जाएगा। अब कई लोग निश्चय को केवल पढ़ के पगला जाते हैं, उनसे परिचय पूछो, अब पंडित जी क्या नाम बताना आपको, मैं तो एक शुद्ध चेतन हूं। अच्छा साहब क्या व्यापार आदि क्या है? मैं तो व्यापार करता ही नहीं, मैं तो व्यापार का करता ही नहीं। मैंने कहा मैं व्यवहार नहीं से पूछ रहा हूं आपसे कि वर्तमान पर्याय में आपका नाम क्या है, वर्तमान पर्याय में आपका व्यापार क्या है। अब पर्याय तो मुझ में है ही नहीं, तो मुझे समझ में आया कि इन लोगों ने ये सक्षम नहीं पढ़ा आचार्यों का कि उभय नयों में जो विरोध है उसके नाशक स्यादवाद में जिन वचनों में जो रमते हैं। भाई ये उभय नयों में जो विरोध है उस स्यादवाद से उसका नाश हो सकता है। और जो लोग खुद पढ़ लेते हैं, पता है उनको तो ये हो ही जाती है बीमारी। हम लोग तो डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछते हैं मेरे से, है ना, कि हम ऐसा समझते थे, वो ऐसा समझते हैं, तो एक्चुअल में क्या है। और हम लोग ग्रंथों के आधार से वो सारी चीजें क्लैरिफाई कर लेते हैं। बट यू नो आई हैव सीन मैनी पीपल दे रीड बाय देमसेल्फ और वो उसका कुछ का कुछ मतलब निकाल लेते हैं और फिर पगलाते घूमते हैं। आई टोल्ड यू वन एग्जाम्पल, व्हेन आई जस्ट वंस आई वेंट बॉम्बे एंड समवन टोल्ड मी कि ये सौरभ जी ये जो चार पांच लोग हैं ना, ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं हम तो शुद्ध हैं, आत्मा हमारी शुद्ध एकदम, विकार ने हमें प्रवेश नहीं किया है, ये बिस्तर पर लेटे लेटे समय सार पढ़ लेते हैं, बगल में चिप्स भी रखी रहती है, रात को फिर समय सार का स्वाध्याय करके 9-10 बजे खाना खाते हैं। बोलते हैं, ये तो विकारी पर्याय तो मुझमें है ही नहीं, मैं तो शुद्ध हूं। तो इसे फिर आचार्य ने कहा है स्वच्छंद प्रवर्तन, है ना, ये स्वच्छंदता की प्रवृत्ति कहलाती है। तो इस तरह से मेरे ख्याल से हमें ये क्लियर हो रहा होगा कि स्यादवाद नए से ये समझना क्यों आवश्यक है ना। हाँ प्रीत जी, हाँ बताइए सर जी, आपने कहा कि आत्मा के गुण में मतलब विभाव भी है, इसको हम गुण मानेंगे कैसे, वो नहीं समझ आया। तो विभाव भी तो आत्मा का स्वभाव है ना,
क्योंकि क्या होगा कि जब सिद्ध गुण प्रकट होगा ना, सिद्धत्व प्रकट होगा, तो विभाव नामक गुण दब जाएगा, तिरुभाव हो जाएगा उसका। लेकिन आत्मा में तो कोई गुण पैदा नहीं होता, कोई जाता नहीं ना, आत्मा में कोई गुण पैदा नहीं होता, कोई जाता नहीं। अगर अभी विपरीत रूप प्रवर्तन कर रहा है तो ये गुण प्रकट है और हमारा स्वभाव दबा हुआ है। सिद्ध अवस्था आने के बाद वो वैभाविक गुण भी कोई नष्ट थोड़ी होगा। अगर नष्ट हो जाए आत्मा से गुण तो पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाए। तो स्वभाव गुण प्रकट हो जाएगा, विभाव गुण इनएक्टिव हो जाएगा, अब फिर कभी एक्टिव नहीं होगा वो। क्लियर है? देखिए इसको मैं एक सॉफ्टवेयर के एग्जांपल से समझाता हूँ, आप लोग बहुत जल्दी समझ में आएगा। सॉफ्टवेयर बनता है ना, कितने बड़ा सॉफ्टवेयर बने, सॉफ्टवेयर में कमांड डाला जाता है, भले ही उसमें वायरस का कमांड डाला जाए, लेकिन जब तक आप उसको कमांड नहीं, मतलब उसमें डालेंगे नहीं कमांड ना, उस सॉफ्टवेयर में हर चीज बनाई हुई है, अपने आप कुछ नहीं बना उसमें। भले ही उसका अच्छा फंक्शन हो या बुरा फंक्शन हो, वो उसका उसका पार्ट है वो। ऐसे ही आत्मा में स्वभाविकत्व शक्ति और विभाविकत्व शक्ति, दोनों शक्तियां हैं। सिद्ध भगवान की पर्याय में क्या प्रकट है? स्वाभाविक पर्याय। और हमारी क्या पर्याय प्रकट है? हमारे विभाव पर्याय प्रकट है। अभी कुंदन जी? हाँ हाँ सौरभ जी। तो इस तरह से हम शायदवाद की बात कर रहे हैं कि जो उभयनयो विरोध है उसके जो उसको पहचान लेते हैं तो उनको तत्काल उसमें यही कहा गया है कि जो पुरुष जिन वचनों में रमण करते हैं वे तत्काल आत्मा का अनुभव करते हैं, जो पुरुष जिन वचनों में रमण करते हैं वे तत्काल आत्मा का अनुभव करते हैं। तो रमण करने का हाँ, तो यहां कहा गया कि जो जिन वचनों में रमण करते हैं वो तत्काल आत्मा का अनुभव करते हैं। तत्काल जिन वचनों में रमण करने का तात्पर्य, इट डजंट मीन ओनली दे आर स्टडिंग, इट मीन्स जो जिन वचनों को पढ़कर और उसको इंप्लीमेंट करते हैं उनको तत्काल आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। देखिए आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए, हम लोग विश्व का सबसे महान ग्रंथ पढ़ रहे हैं, सारे ग्रंथ महान हैं, क्योंकि आचार्य कुंद इस काल के प्रारंभ में इस ग्रंथ को उन्होंने लिखा और ये ग्रंथ उनके परमागम सारी जिनवाणी आत्मा का अनुभव कराने वाली है। लेकिन चूंकि ये पहला ग्रंथ था आध्यात्मिक और इसके आधार से आगे के आध्यात्मिक ग्रंथ लिखे गए, इसलिए हम कहते हैं ये समय सार ग्रंथ पर का ग्रंथ नहीं है। मैं तो बोलता हूँ प्रशंसा सुनना किसको पसंद नहीं, दुनिया में कोई किसी की प्रशंसा करे किसको पसंद नहीं है कि भाई लोग मेरे गुणों का बखान करें, अच्छा लगता है, मैं हूं यार आप लोग हूं। पूरा समय सार केवल एक थीम पर आधारित है। थीम क्या है? हमारे गुणों का बखान, किसके? मेरी आत्मा के। हम प्रत्येक की आत्मा के गुणों का बखान समय सार कर रहा है। तो कह रहे हैं कि जो पुरुष इस उभय नयों का विरोध करने वाले शायदवाद को समझकर जिनवाणी पढ़ते हैं, जिन वचनों में रमण करते हैं, उनको तत्काल आत्मा का अनुभव हो जाता है। अब जिन वचनों में रमण करते से तात्पर्य ये नहीं है बिल्कुल कि वो पढ़ता है तो तत्काल हो जाता है, वो कह रहे पढ़कर शायदवाद शैली का प्रयोग करके निश्चय के वस्तु स्वरूप को निश्चय से समझ के, व्यवहार के वस्तु स्वरूप को व्यवहार से समझ के जब ये स्वरूप का निर्णय करता है तब इसे तत्काल आत्मा का अनुभव हो जाता है। तो ये तो सूत्र हैं, सूत्र मतलब मंत्र हैं, ये तो मंत्र शक्ति है।
मंत्र शक्ति क्या होती जानते हैं आप? सालों रिसर्च की गई हो किसी चीज की, और वो दो तीन चार लाइनों में लिख दी गई हो, और आपको की मंत्र शक्ति मतलब की पता चल जाए, there is a used lock which can be unlocked by only a single key which is small. छोटी सी की है, आत्मानुभव की छोटी सी की है. छोटी सी की ये है कि सबसे पहले स्वरूप को समझो आप. लेकिन कैसे? आप स्यादवाद शैली में स्वरूप को समझो. और यहाँ कह दिया कि भाई जो समझेगा उसको तत्काल आत्मा का अनुभव होगा. तो हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यही आत्मानुभव की प्रक्रिया है. इसके अलावा और कोई प्रक्रिया नहीं है. जो जीव जिनवाणी में आए भगवान आत्मा का अखंड भगवान आत्मा में अपना पर स्थापित करता है, तो आत्मानुभव की यही प्रक्रिया है. इसके अलावा और कोई प्रक्रिया नहीं है. और आत्मा की भावना से जिनवाणी का अति अत्यंत रुचिपूर्वक स्वाध्याय करना, पढ़ना पढ़ाना, उसका विचार करना, मंथन करना, परस्पर चर्चा करना, प्रश्नोत्तर करना आदि व्यवहार से जिन वचनों में रमण है, मतलब जिन वचनों में रमण जो करता है ना, वो उसे तत्काल सम्यक दर्शन हो जाता है. तो दो प्रकार का जिन वचनों में रमण करना हो गया. एक तो जो अपनी आत्मा में रमण करता है वो भी जिन वचनों में रमण करना हो गया, और दूसरा हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं ये जिन वचनों में रमण है व्यवहार से. आप लोग जो सोचते हो, शुभ भाव करते हो, जिनवाणी का प्रचार प्रसार करते हो, है ना, उसमें लिखे हुए तत्व को याद करते हो, ये सारा का सारा व्यवहार नए से जिन वचनों में रमण करना है. तो दो प्रकार से जिन वचनों में रमण करना है, एक निश्चय नए से और एक व्यवहार नए से. तो अभी हम लोग जो रमण कर रहे हैं वो हम व्यवहार नए से कर रहे हैं. जब कोई जीव उस आत्मा को अनुभव करेगा, उस स्टेज पे पहुंचेगा, तो उसे हम कहेंगे कि वो निश्चय नए से रमण कर रहा है. क्लियर है सब लोगों को ये? सौरभ जी एक प्रश्न था थोड़ा अलग. गद्य पद्य सूत्र और गाथा, इसमें डिफरेंस क्या होता है? हाँ देखिए, जो गद्य और पद्य तो हिंदी है, और इसका इंग्लिश करेंगे तो प्रोज एंड पोइट्री होगी, है ना. पद्यात्मक मतलब पोइट्री, और गद्य मतलब वो जो अपन टेक्स्ट लिखते हैं वो कहलाता है. सूत्र मतलब जिसमें कोई छंद निबद्ध नहीं हो. जैसे ये समय सारना दोहा में लिखा हुआ है, समझ लो टू लाइंस का जो है ना वो. तो जैसे तत्वार्थ सूत्र, उसमें कोई लय नहीं है. समय सार में लय है. वंदित तु सव्य सिद्धे ध्रुव मचल मणोभवम गदिम पत्ते, ये लय है इसमें. इसमें छंद अलंकार का रूल फॉलो किया गया है. सूत्र जो होते ना, सूत्र इसमें निबद्ध नहीं होते, काय में लय में, वो कोई छंद के रूल फॉलो नहीं करते. वो तो बस ये उनमें तो ये लिखा जाता है कि कम से कम चीजों में, कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा कैसे लिखा जाए, तो ये इनमें अंतर होता है. जी सौरभ जी, थैंक यू. हाँ, तो आई होप आप लोगों को निश्चय नए से जिन वचन में रमण करना, व्यवहार नए से जिन वचन में रमण करना, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. हम अभी व्यवहार नए से जिन वचन में रमण कर रहे हैं कि निश्चय नए से. आदर्श जी बताइए. दोनों से कर रहे हैं सौरभ जी, व्यवहार नए से और निश्चय नए से भी. हाँ, अभी वैसे हम निश्चय व्यवहार नए से कर रहे हैं. निश्चय नए से तो when you will realize yourself, वो हम कहेंगे कि वो ये निश्चय नए से रमण कर रहे हैं. अभी चूंकि हम पढ़ रहे हैं ना, पठन पाठन का काम जो बहिरंग क्रिया है वो व्यवहार नए से रमण करना कहलाती है. हम लोग अभी जो रमण कर रहे हैं वो व्यवहार नए से रमण कर रहे हैं. तो सपदी समय सारम मतलब सपदी उसे जो जिन वचनों में रमण करता है उसे तत्काल समय सार की प्राप्ति हो जाती है. तो हम लोग बड़ा खुश होना चाहिए, पता है.
बहुत प्रसन्नता का विषय है कि हम लोग जिन वचनों में रमण कर रहे हैं अभी, और ऐसे वैसे जिन वचनों में नहीं, जो जिन वचन सीधे 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 स्वरूप को टच करते हैं। किसके स्वरूप को? हमारे स्वरूप को टच करते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। वैसे देखें तो हम संसार की सबसे उत्कृष्ट बात सुन रहे हैं अभी, वो सबसे उत्कृष्ट बात है, वो हमारा स्वरूप हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिन वचनों में रमण करने की हम आई, फिर इसमें आया कि भाई जिन वचनों में रमण करना देशना लब्धि भी होती है, और निश्चय जिन वचनों में रमण करना करण लब्धि है। वो लब्धियां जब पढ़े तो अपन देखेंगे। तो पूरे उक्त कथन का सार यही है कि स्यादवाद ही एक ऐसा अमोघ उपाय है जिसके द्वारा परस्पर विरुद्ध होने वाले स्वरूप सहज भाव से, मतलब मैं आप लोगों को ये मंत्र दूंगा कि भाई जब कभी आपको कंफ्यूजन हो तब आप स्यादवाद वचनों का प्रयोग कर लेना। किस अपेक्षा से कथन आया है? जब कहा जाए कि, मतलब एक सेंटेंस बोलता हूं, कि जब तक आपका आचार विचार सही नहीं होगा तब तक आपको संबंध दर्शन नहीं होगा। तो कोई कहेगा, अच्छा सौरभ जी आप तो कह रहे थे कि आत्मा अलग है शरीर अलग है, तो ये तो शरीर की क्रियाएं हैं। तो कहा ना कि भाई आचार विचार सही नहीं होगा तो आपका मन कैसे सही होगा? जिसके मन में क्रोध के भाव होंगे, जिसके मन में कषाय के भाव होंगे, तो आप समझ लो भाई व्यवहार ने का उपदेश ऐसा ही होता है और ऐसा करना ही पड़ता है। तो कुल मिला के इस कलश का जो सार जो बताया जा रहा है वो क्या बताया जा रहा है कि आपको अगर जिनवाणी को समझना है तो उसको स्यादवाद, उसकी स्यादवाद शैली को समझना ही पड़ेगा आपको, कोई दूसरा उपाय नहीं। और सारी कंफ्यूजन दूर करने का आपके पास एकमात्र एक अमोघ उपाय है, और उस अमोघ उपाय का नाम है स्यादवाद शैली। जब कभी आप प्रथमानियों पढ़े तो आपको लगेगा बहुत सारी जगह आचार्यों ने श्रृंगार रस का वर्णन किया है, तो आप समझ लो ना यहाँ आचार्य ने श्रृंगार रस का जो वर्णन किया है वो मात्र ये बताने के लिए किया है कि देखो ये महान पुरुष कैसे भोग वैभव में थे और ये सारी संपदा को तृणवत छोड़ के चले गए। किसके लिए? स्वयं के लिए। तो हमें वहां वैसा समझना पड़ेगा। तो जहां हमें जिनवाणी जिस कथन से जहां कही जाए तो उसमें कंफ्यूजन ना हो, हमें किसी प्रकार से कोई ऐसा ना लगे कि ये आत्मा को वहां शुद्ध कहा यहाँ अशुद्ध कहा, तो किस अपेक्षा से कहा, तो वो आप स्यादवाद शैली का प्रयोग करेंगे तो जहां जहां जे जे योग्य हैं तहां समझबूत थे, जहां जहां जो जो योग्य हैं वहां उसको, वहां वहां उसको वैसा ही समझना चाहिए। ये स्यादवाद शैली का प्रयोग है और इसी प्रयोग के द्वारा जिनवाणी को समझा जा सकता है। इस प्रकार से ये कलश जो था ऐसा माना जाता है, आचार्य जयसेन ऐसा मानते हैं कि समय सार यही समाप्त हुआ। मतलब जो संक्षेप रुचि वाले हैं, संक्षिप्त रुचि वाले हैं ना, उनके लिए कह रहे हैं कि अब विस्तार से कहने से क्या क्या लाभ। जो बुद्धिमान पुरुष हैं वो इस समय सार को यही समझ लें कि भाई यही ये खत्म होने वाला है, खत्म हो रहा है, खत्म, और आगे जो भी कुछ कहा जाएगा वो सब इसी का विस्तार है। मतलब उन्हें 12 गाथा तक पूरी भूमिका जमा दी कि भैया आप एक एक गाथा में एक एक चीज समझ लो, और हमने आपको पूरी चीजें बता दी कि अब इस प्रकार से आप जिनवाणी को समझ के आत्मा को समझ सकते हैं। तो क्या करें फिर आगे? अपन समय सार लें नहीं लें? हम अपने आप को कौन से लेवल पे अपन लोग रखते हैं? तीन प्रकार की रुचि बुद्धि होती है, रुचि होती है, बुद्धि होती है, उत्तम जघन्य मध्यम। उत्तम बुद्धि वालों के लिए यही खत्म, जघन्य बुद्धि वाले के लिए फिर से एक स्टेप आएगा और फिर उसके बाद बोलेंगे कि अब जघन्य बुद्धि वाले जो हैं वो लोग इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। तो प्रेरित जी क्या करना चाहिए अपन को? यहाँ कहा है आचार्य ने खत्म समय सार, पूरा हमने कह दिया जितना कहना था आपसे, आप समझ भी गए होंगे। अगर हम समझ गए तो हमें तो उसका फल मिल जाना चाहिए, और उसका जो इसमें जो प्राप्त करना है वो बताया है, वो मैं शीघ्र ही प्राप्त कर लेना चाहिए। और अगर अभी ये भी हम नहीं कर पाते हैं तो हमें आगे और भी समझने की
आवश्यकता है। हमारी हमारा ध्यान भी और चीज़ों में बहुत भटकता रहता है, पूरा दिन और ही चीज़ों का सब्जेक्ट होता है, तो उसको उससे वहां से बचाने के लिए भी अध्ययन आवश्यक है हमारे लिए। हम वेरी गुड, बहुत बढ़िया कि हमें अगर समझ में आ गया है तो हमें फिर बंद कर देना चाहिए, लेकिन हमारा तो उपयोग भटकता रहता है ना, तो हम लोग तो उत्तम रुचि वाले, उत्तम बुद्धि वाले नहीं है, हम लोग मध्यम बुद्धि वाले हैं। आप जानते हैं इवन आचार्य ने ऐसा, मतलब यहाँ आचार्य जयसेन ने क्यों कहा कि बस हो गया भाई जिनको समझना था, जो अति बुद्धिमान है वो समझ सकते हैं कि ये सब्जेक्ट मैटर पूरे समयसार में यहाँ का ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो भी सब्जेक्ट मैटर आएगा यहीं से पूरा का पूरा उसको डिटेल किया जाएगा। तो वहां तात्पर्य आचार्य जयसेन का ऐसा नहीं है कि बस अब पढ़ने मत आ जाओ, वो तो ये कह रहे हैं कि जो संक्षेप रुचि वाले लोग हैं ना, संक्षेप रुचि मतलब कि तीव्र बुद्धि वाले, उनको थोड़ा कहा और बहुत समझते हैं वो लोग, उनके लिए तो समय सार यही खत्म हो गया। फिर भी आप अगर परिणामों को अच्छा रखने के लिए पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ो, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मुझे सम्यक्त प्राप्त करने के लिए तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा अगर आप समझदार हो, पर्याप्त समझदार हो, इफ यू आर इंटेलिजेंट इनफ देन दिस इज द एंड ऑफ योर स्टडी ऑफ समय सार। वेल, हम लोग तो पूरा पढ़ेंगे, लेकिन ये तो आचार्य जयसेन ने कहा है और हमें नहीं लगता कि हम इतनी तीव्र बुद्धि वाले लोग हैं कि 12 गाथा पढ़ने तक ही हमें समझ में आ जाएगा। हमारा उपयोग भी यहाँ वहाँ भटकता है, तो उसको टिकाए रखने के लिए और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तब तक के लिए तो हमें ये समय सारा पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। तो अब इसके बाद एक कलश और दे रहे हैं इसमें आगामी गाथाओं के पहले, एक इवन दो कलश हैं, एक 5 नंबर का कलश और एक 6 नंबर का कलश, उसके बाद फिर 13 नंबर की गाथा लेंगे। तो इसमें एक 5 नंबर का जो कलश है उसमें एक उदाहरण लिया गया है, लाठी का उदाहरण लिया गया है, उसका संस्कृत में देखेंगे तो व्यवहार प्राक पदाभ्यम है निहित पदानाम हंतस्तावलंबा परमर्थम चित चमत्कार मात्र परम विरहित मंतः पश्यताम नैश किंचित। हिंदी में है, ज्यों दुर्बल को लाठी है हस्तावलंब त्यों उपयोगी व्यवहार सभी को अपरम पद में, पर उपयोगी नहीं रंच भी उन लोगों को जो रमते हैं परम अर्थ चिन्मय चिदगन। नेक्स्ट टाइम हम इसके डिटेल करेंगे, मैं जस्ट एक आप लोगों को बोलूंगा उसकी कि जो ये कलश दिया हुआ है, इस कलश में बहुत बढ़िया एग्जांपल लिया है कि जो दुर्बल को लाठी है, जिस तरह से कोई दुर्बल व्यक्ति हो ना, सपोज दैट हम लोग ही कमजोर हो जाते हैं तो लाठी लेके चलना पड़ता है, थोड़ा सा लाठी से टेके तो हम चल पाते हैं। तो ज्यों दुर्बल को लाठी है हस्तावलंब त्यों उपयोगी व्यवहार सभी को अपरम पद में, जो लोग अपरम पद में है ना उनको उपयोगी है व्यवहार। अब जैसे किसी व्यक्ति के तो परिणामों के ठिकाने नहीं, उस व्यक्ति के अभी आचरण के ठिकाने नहीं, तो उनको तो यही कहा जाएगा ना कि भाई आप रात्रि भोजन मत करो, आप जमीकंद मत खाओ, आप स्वाध्याय करो, मंदिर जाओ, दान दो और क्रोध मत करो, उनको यही सब कहा जाएगा। तो भाई अभी क्या दुर्बल है ना, वो उसका आचरण इतना मजबूत नहीं हुआ है अभी, वो दुर्बल है अभी आचरण से। तो इसलिए यहाँ जो लाठी का एग्जाम्पल लिया जा रहा है, वो लाठी का एग्जाम्पल यहाँ इस कलश में यही बताएगा कि जो दुर्बल हैं प्रारंभिक भूमिका में हैं उनको तो व्यवहार ने का अवलंबन योग्य है, लेकिन जो उसके आगे पहुंच गए हैं उनको नहीं है, जो उसके आगे पहुंच गए हैं उनको नहीं है। जो दुर्बल को लाठी है हस्तावलंब तो पर, लेकिन जो निश्चय ने में रमण करते हैं उनके लिए उपयोगी नहीं है। तो इस प्रकार का हम कलश ये लेंगे, 6 नंबर लेंगे और 13 नंबर की गाथा हम लेंगे। हमारा प्रकरण बहुत अच्छा चल रहा है और ना केवल ये प्रकरण हमारी, मतलब ये समयसार ग्रंथ हमारी बुद्धि को तीव्र करेगा, अपितु इस पंचम काल में
हमें इस प्रकार का अध्यात्म पढ़ने का अवसर प्राप्त होना, समय सार जैसे महान ग्रंथ को पर्सनलाइज तरीके से डिस्कस करना, मैं नहीं समझता इससे ज्यादा हमारा पुण्य का उदय कोई हो सकता है। क्योंकि समय सार को ग्रंथादिराज कहा जाता है, तो ग्रंथादिराज ऐसे नहीं कहा जाता है उसको, वो ग्रंथादिराज ऐसे कहा जाता है कि ये हमें स्यादवाद रूपी वचन बताता है, निश्चय व्यवहार का प्रयोग बताता है, आत्मकल्याण करने की विधि बताता है। तो ऐसा ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं और आचार्य भगवान कुंद कुंद देव इस ग्रंथ को आज से 2000 वर्ष पहले लिखे गए थे। तो इसको पढ़ते समय हमें ऐसा लग रहा है कि वो साक्षात हमारे सामने अभी हैं जो हमें बता रहे हैं। तो मैंने वो आप लोगों देखी तीर्थंकर में जो मैंने मुनिराज की सभा बनाई ना, तो एक्चुअली वो जो परिकल्पना जब मैं कर रहा था उसकी, तो मुझे यही था कि आचार्य कुंद कुंद बैठे होंगे और हम सब उसमें, हम नीचे बैठे हम लोग सुन रहे, वो ऐसे उपदेश दे रहे होंगे। तो वो परिकल्पना करते समय मुझे आचार्य कुंद कुंद का ध्यान आया था बार बार कि आचार्य कुंद कुंद बैठे हैं और वो उपदेश दे रहे हैं। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन पूरा हुआ। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम लोग मोक्ष मार्ग। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है इसके लिए जिन्हें वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। तीन जय जिनेंद्र।